नमस्कार, कैसे हैं हमारे प्रिय भैया लोगों? ठीक हो? देखिए, आज बड़ा मंगल भी है और लास्ट ज्येष्ठ माह का मंगल गंगा दशहरा भी है। बहुत ही शुभ मुहूर्त है। और ऐसे शुभ मुहूर्त पर अगर आपको कोई अकाट्य, जिसका कोई जोड़ ना हो, जिसका कोई तोड़ ना हो, ऐसी चीज ना दी जाए तो ये आपके साथ बड़ी नाइंसाफी होगी। मुस्कुराइए, आप भारतवर्ष में हैं। प्यारे दर्शकों, आज मैं भारतवर्ष की एक ऐसी विद्या, एक ऐसे काव्य रूपी महामंत्र को आप सभी लोगों के बीच समर्पित कर रहा हूं, जिसका प्रयोग देखकर आप दंग रह जाएंगे। आप सोच में पड़ जाएंगे कि काश मुझे ये पहले मिल गया होता तो आज हम अपने अमुक भाई, अमुक बहन, अमुक दोस्त, अमुक रिश्तेदार को 2 मिनट के अंदर मैं ठीक कर लेता। जी हाँ, ऐसी है ये विद्या है। चलिए, विद्या को बताने से पहले, हनुमान जी का दिन है, एक जयकारा तो बनता ही है। बोल दे पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। गौ माता की जय, भारत माता की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। जय जयकार, नमस्कार। चलिए, सबसे पहले उस महामंत्र का उच्चारण करके सुनाता हूं, और ये मंत्र इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा और इसका प्रयोग बताऊंगा कैसे करना है। तो आइए, अपने गुरुजनों का ध्यान करते हुए हमारी वीडियो को जो साधक जन देख रहे हैं, जो साधु जन देख रहे हैं, उनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करते हुए इस महामंत्र का उच्चारण करने जा रहा हूं। हे बजरंगबली, हे माता सीता, मुझ में ऐसी शक्ति दे दो कि इस जिभ्या से जो मंत्र आज निकल रहा है और जिस कानों तक का जाए, उसके समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाएं, और जो भी प्राणी इस मंत्र का जाप श्रद्धा पूर्वक करे, उसके सभी कार्य बन जाएं। आदेश नमो नारायण। मंत्र: ओम कपि कपि कूद लंक जरावा, हन हन व्रज गदा असुर भगावा, अग्नि प्रणाम कर विनती कीन्हा, भस्म राज लंक वीर तब कीन्हा, देखत भस्म होई सब दोसा, कपि कपीन्द्र व्रज मंत्र जेहि थोपा। ये मंत्र है 1 2 3 4 5 6 लाइन का। हमने तो 6 लाइन का लिखा। ये देखिए, हमारे गुरु जी के द्वारा ये प्राप्त था। मैंने आज सुबह इसको लिखा। लिखने के बाद हमारे कई यहाँ पर आसपास लोग रहते जिनको मैंने ये मंत्र दिया, जबरदस्त जबरदस्त काम करता। तो आज या किसी भी मंगल को आप लाल लंगोट या लाल आप कोई तहमत या लाल कोई जांघिया पहनकर हनुमान जी के मंदिर में जाना है, और इस मंत्र को हनुमान जी को एक पानी वाला नारियल चढ़ाना है, 5 लड्डू चढ़ाना है, और एक घी का दीपक जलाकर दिन में या रात में कभी भी, आज पूरे मंगल सूर्योदय से लेकर 10 बजे के बीच कभी कर सकते हैं, तुलसी या रुद्राज की माला से इस मंत्र को जाप कर लें। जाप का मतलब यह आपको कंठस्थ हो जाए, बस हो गया काम, कृपा मिल गई आपको। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, कितना भयंकर, हाँ 10 10 लोग आदमी पकड़े, नहीं छोड़ूंगा, ले जाऊंगा, ये कर रहा हूं, डायलॉग मारने वाले जो भूत प्रेत हैं, अगर ऐसे आपको दिखें तो उनको सरसों के तेल पर इस मंत्र को पढ़कर कान में डाल दो। तुरंत तुरंत 1 मिनट, सेकेंडों नहीं लगेगा, भाग जाएंगे। उनका कांटा 140 बताएगा। किस जो सामने लेडीज ओ, ऐसे कर रहे, पानी पर पड़कर उसके ऊपर छींटा मार दो, पानी पिला दो, तुरंत दूर। तुरंत दूर करने के लिए यही तरीका है। अब उसको हमेशा के लिए कैसे दूर करें, इसी मंत्र को आप लौंग के ऊपर पढ़ के दे सकते हैं, वो लौंग 15 दिन 20 दिन खाए। पानी के ऊपर पढ़ के दे सकते हैं, 15 20 दिन थोड़ा थोड़ा पिए। पहले देखिए, हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट, अच्छा इसको भूत है, लाओ गंडा बना के बांध दिए, जो अंदर की चीज अंदर रह गई, बाहर निकलने रही और कष्ट दे रही है। तो सबसे पहले उसको निकालना चाहिए, पानी दो, 15 से 20 दिन वो पिए, 15 से 20 दिन वो लौंग खाए या पानी पिए, 15 से 20 दिन बाद उसको बुलाओ, उसके बराबर
एक पीला धागा नापो और हनुमान जी का ध्यान करके 21 गांठ इसी मंत्र से मार के उसके गले में पहना दो, उसका बीमा हो गया, कोई दिक्कत कभी नहीं रहेगी। जब भी प्रयोग करना हो ऐसे करो। प्यारे दर्शकों, ये बहुत ही अचूक और बहुत ही पावरफुल मंत्र है। निवेदन है इसको जरूर करें, तभी तो आप समझ पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा। आपके आस पड़ोस में, आपके जानने वालों के बीच में कोई ऐसी समस्या हो जो बेचारा थक गया हो, लुट गया हो, परेशान हो गया हो, ऐसे लोगों को मेरे पास भेजो। मैं भरकस प्रयास करूंगा कि उसकी जो पीड़ा है दूर करूं। पहले एक डीमो दूंगा, उसको पता चल जाएगा कि गुरुजी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पहला छोटा सा डीमो दूंगा, फिर पता चल जाएगा। तो प्यारे दर्शकों, आपको किसी प्रकार की समस्या हो, काहे इधर उधर भटक रहे भैया, कॉल करो सुबह 9 से शाम को 5 बजे के बीच। हम और हमारे आश्रम के प्रकांड विद्वान आपकी सेवा में हाजिर हैं। ऐसे नहीं 23 कंट्री में, ऐसे नहीं हिंदुस्तान के हर कोने में, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सब भाई बहन मुझे इज्जत देते हैं। और हमारे ऐसे तमाम सभी वर्ग के लोग हैं जो मुझे बहुत सम्मान देते हैं। और उन भाइयों से निवेदन करूंगा कि हमारे दर्शकों को कैसे पता चले कि आप अपने भाई को इतना प्यार मोहब्बत करते, इतना सम्मान देते हो। कमेंट में जरूर आप अपना नाम और आप जिस धर्म से हो उस धर्म के एक जयकार लगा के आ जाइएगा। ईश्वर आप सभी लोगों को धन धान से परिपूर्ण रखे। हमारे यहाँ साधना आपको सिखाई जाती है, सिद्धियां सिखाई जाती हैं, और आपको तमाम ऐसे तंत्र जो छोटे छोटे अचूक काम करते हैं ये भी सिखाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, बहुत से लोग ये सोच के आते हैं कि लाओ गुरु जी 10 दिन में हम कुछ सीख जाएं, 15 दिन के अंदर, तो ऐसा कोई गुरु नहीं सिखा पाएगा। इन चक्रों मत पड़ना, समय देना पड़ेगा, साल से 1.5 साल आप मजबूत होकर निकलेंगे। साथ ही कोई समस्या हो कॉल कर सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।